أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صلوات الله. ایک ماہ مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت، 17ویں سورے کی پہلی آیت، سورہ مبارکہ اسراء یا قصیدہ معراجیہ کا مطلع، ہمارا عنوان سخن ہے دیوان وحی الہی میں جو نعتیہ قصیدے ہیں، یہ قصیدے بڑی توجہ چاہتے ہیں. رب اکبر نے اپنے بندے کو معراج پر لے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اور معمولی انداز سے نہیں کیا ہے بلکہ خود ناز فرمایا ہے. معراج کا مضمون، معراج کا موضوع بہت اہم ہے. اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کل میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کا کوئی بھی مضمون، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی لفظ کبھی بھی غیر اہم نہیں ہوگا. چنانچہ معراج کے موضوع کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ حضور کی ایک فضیلت ہے، اب 21ویں صدی میں اس فضیلت پر کیا گفتگو کی جائے، یہ رکاکت فکر ہے. رکاکت بھی کچھ چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے، مگر جو لطیف طبیعتیں ہیں، جو لطافت سخن سے مانوس ہیں، جو لطافت فکر و خیال کی پروردہ ہیں، ان کے لیے تو یہ الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اس کا ایک مصرع صرف ذکر کروں گا. اگر انسان کے حواس بیدار ہوں تو الفاظ کا بڑا وزن ہوتا ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا ہے کہ میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں. میں تو لفظوں کی حرارت سے بھی جل جاتا ہوں. دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا عمدن، چونکہ شعر غزل کا ہے، ہم نعتیہ گفتگو کر رہے ہیں. اگرچہ
नात की तशबीब में इश्क़ मोहब्बत के तज़किरे की इजाज़त दी गई है, तशबीब में, तमहीद कलाम में। आज के किसी शायर में हिम्मत नहीं हो सकती कि हुजूर के लिए नातिया कसीदा कहे और उसकी तशबीब में, तमहीदी अशार में किसी मजाजी इश्क का तज़किरा करे। मगर वो यादगार और लाजवाल अजमत का नातिया कसीदा जो ख़ुद हुजूर की बारगाह में उनके सामने उनकी खिदमत में नज़र किया गया, कसीदा बानत सुआद, ये सुआद किसका नाम है? ये सुआद, ये एक इश्किया दास्तान ज़िक्र की है शायर ने, और उसके बाद फिर जो हुजूर का कसीदा कहा है, लाजवाल अजमत का कसीदा है। बहरहाल ये रेफरेंस के तौर पर इसलिए मैंने गुजारिश कर दिया कि शेर व सुखन पर शरीयत की पाबंदियाँ उस तरह नहीं आयद होतीं जिस तरह बाज़ हज़रात आयद करने की कोशिश करते हैं। यूँ तो हर कलिमा जो ज़बान से अदा हो, हर लफ्ज़ जो कलम से मुर्तसिम हो, तहरीर किया जाए, उसका हिसाब व किताब है। लेकिन ये हिसाब व किताब नियतों पर मौकूफ़ है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, नियत पर मौकूफ़ है कि किस नियत से कोई बात कही जा रही है, कस्द क्या है, इरादा क्या है, हदफ क्या है, मकसद क्या है। देखिए, जब लताफत ज़ौक़ पैदा हो जाती है तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि एक लफ्ज़ भी बड़ी अहमियत रखता है। कल इख्तिताम मजलिस में एक वाक़या पेश आया, मैंने मिंबर, आज मुझे एक सवालनामा दिया गया, वजाहत मिंबर से तलब की गई है और मैं समझता भी हूँ कि मिंबर से वजाहत की जानी चाहिए ताकि किसी किस्म का इबहाम बाकी न रह जाए, कोई इश्तबाह बाकी न रह जाए, फ़िक्र में कोई उलझन, अकीदे में कोई उकदा बाकी न रह जाए। इसलिए याद रखें कि हर सुखन मौका हो, हर नुक्ता मकामे दारद, हर बात का एक महल होता है, हर बात के ज़िक्र करने का एक महल होता है। मैंने अभी खुतबा पढ़ा आपके सामने, हमदे इलाही नात पर, नात हज़रत ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत पर दरूद, और उसके बाद मेरे खुतबे का आखिरी और अहम जुज़ था लान, वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइद्दीन, है ना? रोज़ सुनते हैं खुतबा आप। अब अगर मैं मिंबर पर बैठकर कुछ ना पढ़ूं, खुतबे से लेकर और इख्तिताम मजलिस तक सिर्फ लान पढ़ता रहूं, कैसा लगेगा? तवज्जो है। जिस वक्त फ़ज़ाइल पैगंबर बयान हो रहे हैं, फ़ज़ाइल मौला अली बयान हो रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान हो रहे हैं, वहाँ आपकी जुरअत कैसे हुई कि एक नजिस नाम की तरफ जहन चला गया? ये क्या बदज़ौकी की बातें हैं? एक लताफत ज़ौक, ज़िक्र का एहतराम है, पाकीज़ा नामों के साथ एक नजिस नाम लिया जा रहा है और उसके बाद वजाहत की जा, इसमें लान न भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए? इसे लान नहीं, मजलिस ज़िक्र हुसैन है। ये मजलिस ज़िक्र अहले बैत है,
ये मजलिस ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक यजीद मलऊन है, और जो यजीद पे लान ना करे वो भी मलऊन है। लेकिन हर चीज़ का एक महल होता है, हर चीज़ का एक महल होता है। ये नाम गरा गुजरता है मुझे, ये नाम इसकी कसाफत पूरे माहौल को कसीफ बना देती है। जिक्र की हुर्मतों का तो लिहाज रखें, हर चीज का महल है, कतअन ममनू नहीं है। लेकिन जो बात मैंने कही थी उसे भी समझें। मैंने अर्ज किया था कि तबर्रा हमारे दीन में है, दीन खुदा में है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पहला जुज तबर्रा है, लेकिन तबर्रा करने की चीज है। तबर्रा करना वाजिब है, कहना वाजिब नहीं है। कहना तो मजबूरन पड़ता है, जब कहीं ये नाम आ जाए तो मजबूरन कहना पड़ता है। वो तमाम काम जो दुश्मनान अहले बैत करते थे न कीजिए, ये है तबर्रा। दुश्मनान अहले बैत ने अहले बैत की मीरास गस्ब की, बेटी को मीरास से महरूम किया। आपके मुआशरे में बेटियों को बराबर से देते हैं? पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरे में, मोमिन मुआशरे में, शिया मुआशरे में कहीं कोई बेटी महरूम तो नहीं रह जाती? कहीं कोई बहन महरूम तो नहीं रह जाती? और अगर रह जाती है तो फिर लानत का मिसदाक कौन होगा? यजीद शराब खार था, मोमिनों में कोई शराब तो नहीं पीता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी इस बात पर अफसोस करते रहे कि जब मैं दरबार में दाखिल हुआ हूं तो यजीद शराब के नशे में था और ताज़ा ताज़ा शेव करके बैठा था। कोई शेव करने से परहेज तो नहीं करता? बुराई से नफरत करो, बुराई से दामन बचाओ, बुरों की हिदायत करो, और जो बुराई में डूब चुका हो उसकी उससे नफरत करो। उस पर खुदा की लानत है, रसूल की लानत है, अइम्मा की लानत है, मलाइका की लानत है, मोमिनीन की लानत है। मगर हर गुफ्तगू का एक महल होता है। एक सलावत पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले। ज़िक्र ज़िक्र मेराज है, आपका ज़ौक़ तबीयत भी तो मेराज पर होना चाहिए। अगर तबीयतों में इर्तिका नहीं है, अगर शऊर अदब में, शऊर तहज़ीब में इर्तिका नहीं है, अगर उसमें बुलंदी नहीं है, तो फिर ये तज़किरे क्या तासीर पैदा कर रहे हैं, क्या तासीर पैदा कर रहे हैं? मेराज का मौज़ू बहुत अहम है, इरफानी एतबार से भी, दीनियाती एतबार से भी, तारीख़ी एतबार से भी, क़ुरानी एतबार से भी, रिवाई एतबार से भी, बहुत से एतबारात से मेराज का मौज़ू अहम है। और इतना ही अहम है कि रब अकबर ने क़ुरान मजीद में नक़ल फरमाया है। इस मौजू का हक अदा नहीं होगा जब तक कि कुछ फलसफियाना बहसें दरमियान में ना आए, कुछ तारीखी बहसें दरमियान में ना आए, कुछ अदबी बहसें दरमियान में ना आए।